हेलो सो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि लाइट चैप्टर पे न्यूमेरिकल होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी बहुत से न्यूमेरिकल बना रखे हैं, लेकिन अभी ये जो करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो लाइट चैप्टर में जो स्फेरिकल मिरर है, पहला जो होता है स्फेरिकल रिफ्लेक्शन वाला, उसको हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे विद साइन कन्वेंशन। जो उसमें साइन का प्रॉब्लम होता है भैया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अब आपका पता नहीं, लेकिन मेरे तो होता ना, साइन कहाँ पे माइनस लें कहाँ पे प्लस, यार बहुत कंफ्यूज करता है इस चीज को। ये मेन चीज होता है, अगर आपने इसको गलत कर दिया तो प्रॉब्लम गलत है। तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होता था, तो इसी चीज को मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा, आपका गलत नहीं होगा। चलिए, तो पहले हम देखते हैं ना कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। चलिए पहले हम समझते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, मिरर को एम से लिख देता हूँ। चलिए जी, केव होता है गुफा, तो ये बाहर से पॉलिश होता है, बाहर से ऐसे करके। ये होता है आपका, ये पॉलिश है, ठीक है ना। ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, इसे मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस, ओके पी। ये होता है आपका पोल, ये होता है फोकस, ये होता है फोकस, और यहाँ पे होता है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। अब यहाँ से और यहाँ की दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल की दूरी को हम लेते हैं यू, इमेज का दूरी, ऑब्जेक्ट का दूरी। फिर इसको हम लेते हैं यफ से और पोल के बीच की दूरी को हम लेते हैं स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। और अगर यहीं पे कहीं वी यहाँ पे बन गया, मान लीजिए ऐसे ही कहीं बना देते हैं, वी हो गया, ये हो गया एच आई हाइट ऑफ इमेज, और इसे यहाँ पे अगर हम इमेज लें, ऑब्जेक्ट लें एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दूरी आपका यू हो गया। अब यहाँ से इमेज से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी भैया रेडियस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होता है ये आर, और इमेज से दूरी यहाँ से और पोल की दूरी यू होता है। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट से और पोल की दूरी यू होता है, और इमेज से पोल की दूरी वी होता है, ओके। और इसी का हाफ होता है ये, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से सीधे, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ ना, बोल सकते हैं एफ इज इक्वल टू टू आर। यहाँ से फोकल लेंथ डबल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, फोकल लेंथ अगर डबल करेंगे तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल गया जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ऐसे, कैसे बोलेंगे भाई, कि आर इज इक्वल टू टू एफ होता है। देखिए आर इज इक्वल टू टू एफ, ओके। अब यहाँ इसे हम बोल दिए। अब फिर मिरर फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू। भैया यहाँ पे एफ क्या है, फोकल लेंथ, वी क्या है, या डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल, मिरर, इमेज और इमेज और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वी है, और इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस यू है। चलिए जी, ये हो गया पहला फॉर्मूला, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। अब तीसरा इसमें क्या होता है, जो मेन होता है वो क्या होता है, चलिए वो होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। इसे मैं एम टी से लिख रहा हूँ, एच आई बाई एच ओ हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे हम बोलते हैं रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन बोलता रहता है, ठीक है। यही होता है माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस यू इज इक्वल टू एफ माइनस वी बाई एफ, ये फॉर्मूला होता है इतना बड़ा सा। इसे कैसे, अगर ऐसे लिखाऊं, अगर हाइट ऑफ इमेज दिया है, ऑब्जेक्ट का हाइट नहीं दिया है, वी भी दिया है यू भी दिया है, तो ए लगा लेंगे। अगर आपका यफ दिया है, यू दिया है और ई दिया है, तो ये दोनों लगा लेंगे, ये चाई बाई एच ओ इज इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस वी यू कर देंगे, इससे निकल जाएगा। अगर वी दिया है, यफ दिया है, एच ओ दिया है, तो ये चाई निकाल लेंगे ये दोनों लगा के, ठीक है। अभी हम उसी को देखेंगे कैसे होता है। ये तो हो गया फॉर्मूला, ठीक है, मेन मुद्दे की बात हो गई। अब ई कॉन्वेक्स में कैसे होता है, इसी को मैं यहाँ पे लूँ, ये क्या बन रहा है, एक चीज़ और इसमें जानना है, कहाँ पे प्लस होता है कहाँ पे माइनस होता है। यहाँ पे ऊपर रहेगा पॉजिटिव, नीचे रहेगा निगेटिव, इस साइड रहेगा पॉजिटिव, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव, ओके। ये पॉजिटिव या निगेटिव, अब मैं मेन मुद्दे की बात करता हूँ, पॉजिटिव और निगेटिव का क्या रोल है इसमें और उसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसे मैं यहां से हटा देता हूं,
तो अगर हम इसी में साइन कन्वेंशन की बात करें, तो अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो या उसका यफ जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स मिरर की कॉनकेव मिरर हो तो उसका यफ हमेशा निगेटिव होगा, चाहे वो लेंस रहे या मिरर, हमेशा ही कॉन्वेक्स मिरर के लिए यफ निगेटिव रहेगा। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की ना, नहीं पहले वी की बात करते हैं। अगर वी मिरर की बात कर रहा हूँ ठीक है ना, ये मिरर का ये लेंस का अलग हो जाएगा। अगर वी जो है आपका निगेटिव है, अगर वी निगेटिव है तो ये क्या होगा, ये होगा रियल। अगर वी आपका पॉजिटिव है ये हो जाएगा वर्चुअल। ये होता है मिरर में, लेंस में इसी का अपोजिट हो जाता है। अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, और अगर हम मैग्निफिकेशन देखें, एम से लेते हैं, एम टी से लेते हैं, एम से लेते हैं, ओके। तो एम अगर निगेटिव आया, इसका मतलब क्या है, इमेज होगा इन्वर्टेड, ओके। इमेज इन्वर्टेड, अगर वही पॉजिटिव आया तब क्या होगा, इरेक्ट होगा। अब इसकी हाइट की बात कर लेते हैं, मैग्निफिकेशन का हो गया, ओके। अब इसके हाइट की बात कर लेते हैं कि कितना बड़ा होगा, ये भी पूछता है ना, डिमिनिश है, लार्ज है, तो क्या होता है, अगर यम 1 से बड़ा हो गया तो इसका इमेज कैसा होगा, मैग्निफाइड। अगर एम यम जो एम आएगा 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, डिमिनिश होगा, डिमिनिश्ड होगा। और अगर एम जो होगा 1 की इक्वल होगा तो सेम साइज का हो गया, ये आपका हो गया हाइट के मामले में। तो इसमें हमको बस इतना जाना है, स्फेरिकल मिरर में अगर आपको इतना पता है तो सारे प्रॉब्लम आसानी से कर ले जाओगे। बस इतना, कॉन्वेक्स में क्या रहेगा, पॉजिटिव, कॉनकेव में निगेटिव रहेगा, ये मेन चीज है। अगर बोलता है कि कोई इमेज है, प्लेस है सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब जहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा हूँ इमेज बन रहा है, तो ये रियल होगा, तो उसमें निगेटिव वी को लेंगे, वी को निगेटिव लेंगे, कुछ ऐसे प्रॉब्लम होंगे ना। तो ये चीज़ आप मतलब इसको जान लीजिए ठीक है ना। अब वी जब रियल बनेगा तो निगेटिव, अगर वी आया तो मतलब रियल इमेज है, अगर वी पॉजिटिव है तो वर्चुअल है, ठीक है जी। अब चलिए प्रॉब्लम करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया होगा, अ कॉनकेव मिरर इज मेड बाय कटिंग अ पोर्शन ऑफ अ हॉलो ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है जी। एक कॉनकेव मिरर है, तो ऐसे कोई कॉनकेव मिरर है, बाहर से पॉलिश है। कॉन्वेक्स मिरर ऐसे ही रहता है, वो अंदर से पॉलिश होता है, ठीक है ना, उसमें भी हम प्रॉब्लम कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पी, ये हो गया एफ, ये हो गया सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, ठीक है जी। करा कॉनकेव मिरर इज मेड बाय कटिंग ए पोर्शन ऑफ हॉलो ग्लास, एक ग्लास था उसको कट करने पे ऐसा बन रहा है, स्फीयर ऑफ रेडियस, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, ये डिस्टेंस जो इसे मैंने बोला था ना आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर, ये कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ पूछ रहा है, एफ पूछ रहा है, एफ क्या होगा, एफ ये पूछ रहा है, ये कितना होगा, आर तो दिया हुआ है, कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं जो आर होता था, आर इज इक्वल टू 2f होता था, नहीं, एफ इज इक्वल क्या था, आर, हाँ आर इज इक्वल टू आपका 2f होता था, ओके। तो यहाँ पे क्या दे रखा, 24 दे रखा, 24 इज इक्वल टू 2f, तो f इज इक्वल टू 24/2, तो यहाँ से आया 12। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव में हमेशा फोकस क्या, फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव होगा, तो -12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ओके। इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, इसमें भी कॉनकेव मिरर है, जो बोला उसको ऐसे लिखते चलना है, ओके।
एक ऐसी कॉन की मिरर फोकल ए फोकस फोकस हो गया, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल हो गया, ठीक है जी। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये बोला है ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, एक यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ठीक है ना, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे प्लेस है, 30 सेंटीमीटर ओके। उसके बाद परपेंडिकुलर प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन के मिरर ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी दिया है, ए भी दिया हुआ है, एफ दिया है 20 सेंटीमीटर ओके। वेयर विल बी द इमेज बी फॉर्म्ड, इमेज कहाँ फॉर्म होगा, वी पूछ रहा है हमसे। पहले जो दिया ना यू, यू कितना दिया 30 सेंटीमीटर। अभी मैंने बताया था ऐसे करके कि इस साइड पे नेगेटिव लेते हैं, इस साइड पे पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर पॉजिटिव लेते हैं, नीचे नेगेटिव लेते हैं। इस साइड पे पॉजिटिव तो हमेशा यू जो होता है वो हमेशा किस में आता है, नेगेटिव रहेगा, इसमें देगा नहीं कि नेगेटिव है, वो आपको करना है कि ये हमेशा नेगेटिव में रहेगा। अब यहाँ पे एफ एफ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, भैया ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव, कॉनकेव में क्या होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगा ठीक है। वी हमको पता करना है बस, अब निकल तो गया बस फॉर्मूला, हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या था, 1/f = 1/v, इसको मैं यहाँ से करता हूँ आसानी से, 1/f = 1/v + 1/u। 1/f दे रखा है, f दे रखा कितना है, -20 = 1/v पता करना है। अब यहाँ पे -30 है u, तो यहाँ पे लिख सकते हो 1/-1/30, तो यहाँ पे 1/v = हो गया 1/-1/20, ये उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा +1/30, तो 1/v = 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, 20 और 30 का जब निकालेंगे तो 2 10 15, 2 5 15, 3 5 5, तो 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, यहाँ पे 60 आ गया, तो 2 3 6 होता है, तो -3 + 3 2, तो इतना आया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/v =, इसको करेंगे तो -1/60 हो जाएगा, 1/60, 1/60। अब इसको उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, v = -60, v आया -60। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, v आया है माइनस में, तो माइनस किस में आता था, माइनस आता था, मैंने अभी पीछे आप रिमाइंड करके देखी, v अगर माइनस है इसका मतलब इमेज कैसा है, रियल है, सॉरी हाँ रियल है कि वर्चुअल है, रियल है कि वर्चुअल है, रियल है कि वर्चुअल है। तो हमने अभी पीछे ही देखा कि अगर ए निगेटिव में आएगा तो इमेज क्या होगा, रियल होगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इमेज रियल बन, रियल रियल बन रहा है 60 डिस्टेंस पे ना, ऐसे तो ई हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, हाँ तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 2 सेंटीमीटर हाइट ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, फिर कॉनकेव मिरर ठीक है जी, कॉनकेव मिरर बना लिया मैंने, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसमें बोला एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, हाइट दिया ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है जिसका हाइट है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव मिरर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, इसकी दूरी जो है कितना है, 30 सेंटीमीटर ना, 30 सेंटीमीटर जी हाँ 30 सेंटीमीटर ये दे रखा है, ये बीच का दूरी यू दे रखा 30 सेंटीमीटर, एंड इट्स इमेज इज फॉर्म 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, इमेज भी दे रखा है कि इमेज जो फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन द सेम साइड, सेम साइड मतलब यहीं कहीं, यहाँ पे जो इमेज है, इमेज आई यहीं पे कहीं फॉर्म हो रहा है, तो वी भी दिया हुआ है, वी कितना है 60 सेंटीमीटर, चलिए जी 60 सेंटीमीटर ऑफ द मिरर ऑन द सेम साइड ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, हाइट पूछा है, एच आई क्या होगा, जो जो दिया लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया है एच ओ 2 सेंटीमीटर, ये तो पॉजिटिव में होगा, ऊपर पॉजिटिव होता था, यू यू हमेशा निगेटिव रहेगा तो -30 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे वी वी क्या है 60 सेंटीमीटर,
एक चीज समझिएगा, ये क्या रहा है, सेम साइड पे, सेम साइड पे रियल बनेगा, इस साइड रहा था तो वर्चुअल बनता है, तो रियल किस रियल कब बनता है, जब वी माइनस रहता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, वी माइनस रहेगा, ठीक है ना, तब ये कहेंगे कि रियल है, अब वी भी होगा, अब हमको पता करना है एच आई कितना है, ठीक है, तो अभी हमने एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखा था, एम टी इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई वी इज इक्वल वी बाई यू इज इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस यू इज इक्वल टू एफ माइनस वी बाई एफ, ये फॉर्मूला था। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है, एच ओ है, ठीक है जी, यू है, यू है, वी है, बस हमको एच नहीं, तो हम इसको लगा सकते हैं, इस चीज़ को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, वही कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे ये चाय कितना है, नहीं पता, चलिए ये चाय, ये चो कितना है, 2 सेंटीमीटर, 2 लिख देते हैं, वी माइनस ऑलरेडी था, अब वी कितना है, -60, -60, बाई यू कितना है, -30, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 2 जा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये चाय बाई 2 इज इक्वल टू -2, तो ये चाई इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -4, यहाँ पे -4 आया, ठीक है, अब इसका क्या मतलब, माइनस का मतलब है, मैंने अभी बोला था यम अगर आ गया माइनस में तो मतलब इनवर्टेड, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया था ना, तो यहाँ पे माइनस इसका मतलब इनवर्टेड होगा, और हाइट कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल सा आंसर, ओके। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन कॉन्वेक्स मिरर पे कर देते हैं, उसके बाद इस स्पेरिकल मिरर में सारा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाने वाला, आप सभी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो इसका क्वेश्चन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग पेनिस प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है जी, हम कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, इसको इस साइड में बनाता हूँ अच्छे से सॉल्व कर सकूँ ना, कॉन्वेक्स मिरर ऐसे है भैया, अंदर से पॉलिश होगा, ये अंदर से पॉलिश है, बाहर से ये पोल हो गया, ये पोल हो गया आपका, एक फोकल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है ना, ये के बाद इसमें बोला है कि अब पिन, एक पिन है कोई, हाइट इमेज जो है, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे कोई पिन है ना, हाइट कितना, 1.2 कितना भैया सेंटीमीटर, ठीक है 1.2 सेंटीमीटर है, प्लेस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, और फोकल लेंथ भी दिया है 12 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दिया है, ये डिस्टेंस दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और फ्रॉम इट फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, ठीक है, लोकेशन ऑफ इमेज हमको वी बताना, पहले देख लेते क्या क्या दिया है, हाइट दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1.2 सेंटीमीटर, उसके बाद दिया भैया क्या 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 है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, डिस्टेंस यू, यू तो हमेशा निगेटिव रहेगा ना, 8 सेंटीमीटर, फ्रॉम फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन वी हमको पता करना है, वी ने पेपर में करते समय भी हमको इस तरह का ये फॉर्मेट लिखना होगा ना, वी पता है, फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, एच आई बताना है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और क्या बताना है, सी इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड, सी बताना है इरेक्ट है और इन्वर्टेड, ठीक है जी, चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, पहले हम निकालते हैं वी, वी निकलेगा मिरर फॉर्मूला से, क्या होता है, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, एफ कितना है, -8, तो 1 बाई -8 इज इक्वल टू, एफ कहाँ -8 है यार, +12 है, यहाँ पर 12 हो जाएगा, वी 1 बाई वी, अब यहाँ पे यू, यू कितना, -8, तो हम कर देंगे -1 बाई 8, तो 1 बाई वी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 8, तो 12 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, 12 8 का तो कितना होता है, 2 6 12 2 4 8 2 3 6 2 2 4 2 1 2 3 तो 2 4 4 8 8 8 3 24 तो हो जाएगा 24, ठीक है ना,
बारह दूनी 24, 2, 8 3 24, 3, तो यहाँ पे 1/v बराबर इतना आ गया। ओके, अब हम इसको लिख सकते हैं 3 to 5, 1/v इज इक्वल टू 5/24, तो v इज इक्वल टू 24/5। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 5 20, 5 40, 4/8 किसमें है, सेंटीमीटर। ठीक है जी, वी निकल के आ गया है 4/8 सेंटीमीटर, बस ये निकल गया। अब हमको पता करना एच आई, तो वी यू पता ही है, अब एच आई निकाल देते हैं। ठीक है चलिए, हमको पता है एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है। एच आई कितना दिया है वही तो पता करना है। एच आई एच ओ दिया हुआ है जी हाँ, 1.2 दे रखा है। माइनस वी, माइनस वी कितना दिया, वी तो निकाले अभी, 4.8, 4.8, 4.8 है। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या है, हाँ 4.8 हो गया। अब यू, यू कितना दिया है, 8 दिया, माइनस 8 दिया है, ये कट गया। ठीक है, 8 से 1 कटेगा, 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48, 0.6। तो एच आई इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 6 12 6 72 होता है, 0.72 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हाइट, ठीक है, ये भी निकल गया 0.72। अब ऐसे कर सकते हैं, अगर नहीं कुछ कंफ्यूजन है तो ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे पॉइंट है भैया, 6 दूनी 12, 2 हाथ में 1, 6 6 7, 0 0, 2 7, 2 पॉइंट है इसलिए 0 आ गया ना उतना। ठीक है जी, तो ये चाई निकल गया। अब हमको पता करना है इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। अब ऑब्वियस, अगर माइनस रहेगा तो इन्वर्टेड रहेगा, प्लस रहेगा तो क्या रहेगा, इरेक्ट रहेगा। कौ किसकी बात कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन एम टी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एम टी कितना आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव क्या हुआ, इरेक्ट, इरेक्ट हुआ। तो ये था क्वेश्चन, बहुत आसान सा था। अब इसके बाद जितने भी प्रॉब्लम है आप आसानी से इससे रिलेटेड कर सकते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। तो चलिए मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इससे आगे वाला चाहिए ना, वो तो जरूरी तो होगा ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा है और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो चलिए मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए राम के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।